वेलकम बैक टू द फेरी व्लॉग चैनल। सो गाइज, फाइनली आज जो है 25 रोज़ा है। रोज़ा रख के एक माला भी चढ़ना ना बहुत जान पाता है सच में। सो गाइज, आज है 25 रोज़ा। जैसे आपको पता है कि मैंने रात को सहरी की थी, अभी जो है असर की अजान हो चुकी है, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते दैन फिर इफ्तारी करेंगे। आज इफ्तारी का व्लॉग नहीं होने वाला। इफ्तारी में बनाई तो मैंने बहुत कुछ हूँ, बट मैंने शूट ज़रा भी नहीं लियू बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। एंड सो गाइज, फाइनली आज का व्लॉग इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ आज क्या है। सो फाइनली गाइज, आज का व्लॉग इसीलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है मुस्कान का बर्थडे। तो होने वाला है मुस्कान का बर्थडे व्लॉग। तो सबसे पहले सब लोग दिल से मुस्कान को बहुत अच्छी अच्छी विशेज दे दो ताकि मुस्कान की जो ज़िंदगी है बहुत हंसी से गुजरे और माशाल्लाह बहुत अच्छी रहे और प्यार से हमेशा ये सबके साथ रहे। सब लोग इसके साथ भी हमेशा प्यार से रहे और बहुत खुशी आए इसकी लाइफ में। तो क्योंकि किसी का भी जन्मदिन हो बहुत खुशी वाला होता है, तो वैसे ही मुस्कान का जन्मदिन है और बहुत खुशी मैं वाला कैसी लग रही हूँ फिलहाल? तू अपना ही ले ले, तू अपना ही आ जा पूरा व्लॉग में। हम लोग जो चीज़ के लिए आए उसमें नहीं आते। देखो अपना ही तराना इसका चालू है। हाँ, ये अपना अकेले ही तरा लेगी। आज हम लोग जो एकदम बेसिक सा रेडी हुए हैं। मुस्कान भी माशाल्लाह बर्थडे के दिन अच्छे से रेडी हो गई है, फुल वाइट ड्रेस पहनी है क्योंकि मुस्कान को वाइट ड्रेस पहनना था, पसंद था। तो हम लोग अभी फिलहाल है सिंपल सा रेडी और आज होने वाली है ग्रैंड पार्टी। मतलब पार्टी किस तरीके से होगी, आज मुस्कान हमें लेके जाएगी ढाबा और मैं आपको बता दूं कि आज मुस्कान की तरफ और ये मुस्कान पक्का न्यू फोन और मुस्कान ने बर्थडे में ली है न्यू गिफ्ट मिला है। गिफ्ट नहीं मिला है, खुद के सेल्फ से ली है उसने। मतलब मेरी बड़ी वाली जो बहन है ना, बड़ी वाली बहन ने इसे गिफ्ट की है, जो इसकी फुप्पू लगती है, मेरी बहन लगती है, तो उसने इसे बर्थडे गिफ्ट की है और मैंने भी बर्थडे गिफ्ट दे चुकी हूँ। ऐसा मत बोलना फिर आपने बर्थडे गिफ्ट क्या दिए। तो मैं बताए नहीं, क्या नहीं बताया? मैं बर्थडे गिफ्ट नहीं दी। क्या दिए? जो उसको चाहिए था वो दे दी। अब तुझे क्यों बताए हम लोग क्या? अरे तो मैं तो मेन हूँ। तो बस आज हम लोग जाएंगे, अभी हल्की फुल्की इफ्तारी करेंगे, उसके बाद जाएंगे ढाबा और ढाबे जाएंगे आपको बताएंगे कि हम लोग आज मुस्कान का बर्थडे। तो यहाँ पे रहे आज मेरे कबूतर और आज तो काफ़ी है, मुस्कान के बर्थडे की खुशी में पूरे कबूतर्स को दावत है। तो यहाँ पे दीदी ने पाँव डाल दिए, हम हमेशा डालते हैं पाँव ताकि जो है ना हमारे कबूतर्स है वो आके खाए। पाँव हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, जो भी हमारे घर में होता है। तो आज हमने अभी ये पाँव डाल दिए ताकि ये लोग देखो कितने भूखे होते हैं और माशाल्लाह ये लोग सारी क्वान्टिटी में आते हैं और माशाल्लाह आके जो है ना पाँव वगैरह खा के देखो कैसे इन्जॉय करते हैं। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगती है। बस इसी के लिए हम लोग जो असर के पास मैं आपको बोलती हूँ ना, हम लोग ऊपर आते तो हम लोग बस यही काम से आते। मैं कभी दिखाई नहीं बट आज बहुत सारे थे तो मैंने सोचा ला आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखो माशाल्लाह बहुत सारे कबूतर थे, बहुत सारे, और बाकी यहाँ पे जो है खा रहे हैं। सो गाइस, वही मैं आपको बता दी थी क्या? हाँ, मैं आ रही हूँ नीचे। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ढाबा गाजीबो। गाजीबो का रिव्यू देंगे, फूड्स वगैरह एंजॉय करेंगे और रोज़े की हालत में तो थोड़ा आप समझ सकते हो फेस की हालत एंड ऑल क्या है, क्योंकि मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट कर दो वरना व्लॉग लेना भूल जाएंगे। तो बस अब आपको मिलते हैं रोज़ा खोल के हम लोग ढाबा जाके। तो यहाँ इफ्तार की तैयारी है, इफ्तार में बन रहे हैं गर्मा गर्म चिकन रोल। आज मैंने चिकन एग रोल बनाई हूँ। हाँ, तो जो उसको पसंद है उसका बर्थडे वो वाला ले। ये भी अच्छे, ये वाला वो वाला भी अच्छा लग रहा है, दिल वाला, ये वाला, दिल वाला। उसका बर्थडे उसको जो पसंद आ रहा वो लेने दे। देख ले एक बार, मैं से जो भी लेने का ले लो तुम लोग। नहीं नहीं, बर्थडे तेरा, तू देख ले, हम लोग को नहीं देख ले भाई, बताना हम लोग को ये वाला। हाँ, नीचे भी है छोटा वाला केक, काटती पाव किलो में भी है, देख नीचे। ये नहीं, ये फ्लेवर नहीं अच्छा रहता है। ये देखो, ये वो लास्ट वाला।
तो फाइनली हम लोग ने ना केक ले लिया मुस्कान के लिए एक छोटा सा, ताकि एक छोटा मोटा केक हम कट कर सके उसकी बर्थडे के लिए। फिर हम आ गए थे गाजीबो ढाबा, जो मुमरा में रिसेंटली कुछ वक्त पहले ही खुला था। हमने सोचा हर जगह जाते तो क्यों ना इस जगह का भी जो है ना रिव्यू किया जाए एंड टेस्ट किया जाए खाना एंड ऑल। एम्बियंस बहुत ओके लगा, इतना खास नहीं था। जो तलोजा से पहले जो गाजीबो लगता है वो बहुत ही, मतलब उसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा और वो काफ़ी बड़ा है। ये थोड़ा सा मुझे कंजेस्टेड टाइप में लगा, और ईद का त्यौहार था और इतना, मतलब बोलते हैं ना उन्होंने कुछ ये भी नहीं किया हुआ था। बट ओके, हमें तो खाना खाने जाना था, बट एम्बियंस वगैरह ठीक है, ओके, इतना ख़ास नहीं है। फिर देन हम सब गए अंदर, एंड अंदर जाने के बाद हमने ले लिया एक प्लेस जहाँ पर हम बहुत ही आराम से जो है बैठ गए। एंड देन मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है क्लिप्स दे रही थी, ये जो है मैंने मुस्कान के मोबाइल से शूट लिया था, क्योंकि मैं जैसा आपको बता रही थी कि मुस्कान व्लॉगिंग करना स्टार्ट करने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अभी तक तो की नहीं है। तो मैं क्लियरिटी देख रही थी कि मुस्कान के मोबाइल से कितनी अच्छी क्लियरिटी है जो आ रही है, तो बहुत अच्छी आ रही थी, इतनी बुरी भी नहीं आ रही थी। देन उसके बाद हम बैठ गए, ऐसा कोई दस्तरखान वगैरह टाइप में भी था नहीं, और थोड़ा अंदर में एक केबिन था वो फुल था, तो इसके लिए हमें जो बाहर के प्लेस पे बैठना पड़ा। फिर उसके बाद सीट होने के बाद हमने क्या किया, पहले तो सोचे कि कुछ खा लेते हैं, कुछ ऑर्डर कर देते, क्योंकि मेन जो था मेन फूड्स, मैं हमेशा जो भी ढाबा जाती हूँ मुझे एम्बियंस वगैरह का इतना ये नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है ना खाना टेस्टी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स जो है बैठ गई थी। मेन्यू कार्ड वगैरह मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है गाजीबो का, यहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटीज़ के फूड मिलेंगे। हमारा मन था चाइनीज़ खाने का, तो सबसे पहले मैंने सोचा एक सूप ऑर्डर करती हूँ एंड पापड़ ऑर्डर करती हूँ, इसी से मुझे ना आइडिया हो जाएगा कि चाइनीज़ कैसा है। तो सबसे पहले मैंने मसाला पापड़ ऑर्डर की थी, और मेरी काफ़ी वीडियोज़ में आपको मैं बताई हूँ कि मसाला पापड़ कैसा होता है, उसकी जो टॉपिंग होती है वो कैसी होती है। एंड साथ ही में मैंने एक ना मनचाओ सूप ऑर्डर करी थी, और बाकी मैंने सोची थी थोड़ा सा तुर्कीश खाना खाएंगे, बिकॉज ना आज ना कुछ अलग ही खाने का एकदम मूड हो रहा था, कि मतलब कुछ अलग से स्टार्टर्स जो है ना ट्राई किया जाए। सबसे पहले तो हमने दो तीन बार मेन्यू को खूब अच्छे से रीड किया कि हमें कोई अच्छी या कोई अलग टाइप में डिश मिल जाए जो हम खा सकते हैं। तो हमें इतनी ज़्यादा कुछ वैरायटीज़ मिली नहीं, तो बाकी जो नॉर्मलीज रहती है वैसी थी, और बिरयानी थी उसमें चाइनीज़ था, समथिंग सब कुछ था। तो चाइनीज़ ऑर्डर करने के बाद हमने क्या किया ना, पहले तो सोचे मुस्कान का बर्थडे केक जो है हम लोग कट कर लेते हैं। बर्थडे केक कट करने के बाद जो है देन हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या मंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया हमारा पापड़, मसाला पापड़, और मसाला पापड़ देखने के बाद ना मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि है ना हम लोग ने हमेशा अलग वे से मसाला पापड़ खाए, उसमें ऑनियन प्याज टमाटर और सेव अच्छा खूब अच्छे से टॉपिंग करके देते, बट ये मसाले पापड़ में ना ड्राई, एकदम ड्राई बोलते ना, मतलब जैसे बूंदी होती है, बूंदी ही थी, होती क्या है, मतलब बूंदी थी, उसकी टॉपिंग करके दिए थे, तो मसाला पापड़ ज़रा अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप जा रहे हो गाजीपुर ना बिल्कुल ट्राई करने सोचना ही मत। फिर उसके बाद हमारा जो खाना आने टाइम था, तो हमने सबसे पहले कट किया मुस्कान का बर्थडे केक, क्योंकि मुस्कान को भी थोड़ा स्पेशल फील कराना बनता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि किसी का भी बर्थडे होता है उसकी ख्वाहिश एकदम अलग ही होती है, कि आज मुझे ऐसे सेलिब्रेट करना है, मेरी फैमिली के साथ जाना है, कुछ अरमान होते हैं। तो बस उस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे थे, उसका बर्थडे केक कट करा के उसको थोड़ा स्पेशल फील कराने ट्राई कर रही थी। फिर सबसे पहले आया हमारा सूप, सूप देखने के बाद मैं इतना हंस रही थी, क्योंकि ये कहीं से भी मनचाओ भी नहीं लग रहा था और हॉट एंड सॉर भी नहीं लग रहा था, ऊपर से ये इतना ज़्यादा खट्टा सूप था कि बिल्कुल भी मुझे फ्लेवर आ रहा ही नहीं था इसके अंदर, कि इसके अंदर कुछ फ्लेवर है कि भी नहीं है। तो सूप भी आप बिल्कुल ट्राई मत करना अगर आप जा रहे हो तो। फिर हम लोग ने ना दो आइटम्स स्टार्टर्स मंगाए थे तुर्कीश में, और ये चिकन के कुछ आइटम्स थे, मैं इंशाल्लाह नाम जो है मेंशन कर दूंगी, और ये लगभग ठीक थे, दोनों सिमिलर थे, सिर्फ जो सॉसेस थे एक का वाइट था और एक में इन्होंने थोड़ा सा तंदूरी वगैरह सॉस जो है ऐड कर दिया था, बाकी दोनों चिकन भी सेम थी, दोनों स्टार्टर्स एकदम 99% सेम थे, 1% जो सॉस की वजह से अलग थे, बट टेस्ट अच्छा था, गुड था, ट्राई कर सकते हो। नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वही जो थी नाम था डिशेस का स्टार्टर्स का। फिर स्टार्टर्स खाने के बाद ना हमारा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, मुझे कुनाफा वगैरह भी ट्राई करना था, बट मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिला,
तो मैंने सोचा खप्सा भी हमें खाना था और कुनाफा भी खाना था, बट हमने नहीं ट्राई किया। फिर हमने स्टार्टर्स खा के इनफ कर दिया। हमने सोचा चलो जाते हैं स्ट्रीट फूड ही अभी खाते हैं, क्योंकि जो भी फूड्स हमने सोचा था हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इतने अच्छे नहीं थे और बिल्कुल भी टेस्ट भी नहीं था, मतलब ना स्पाइसी था ना कुछ था, एकदम क्रीमी क्रीमी टेस्ट था। तो फिर इसके लिए हम लोग ने बस इतना ही कुछ खाए पिए। एंड कुलसुम को स्टार्टर्स अच्छा लगा था क्योंकि कुलसुम को क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये क्रीमी टाइप में उसे अच्छा लग रहा था, बट मुझे भी अच्छा लगा। आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल, ये तुर्कीश के मतलब लाइक इसमें था कुछ तो बेस्ट था, बट पापड़ और सूप तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ट्राई करना। और बाकी अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो एक बार कर सकते हो। बाकी बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी टाइम बाद मेरी फैमिली बोलते ना मतलब ऐसे साथ में गए थे और मम्मी डैडी नहीं आए थे, हमें बहुत मिस कर रहे थे उन्हें, ताकि वो भी आ जाते ना तो एक कम्प्लीट फैमिली हो जाती माशाल्लाह से। एंड देन क्या करते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से जो है ना इन्जॉय कर सकते थे। फिर ये सब खाने के बाद जो है मैंने सोचा जाएंगे हम स्ट्रीट फूड थोड़ा खा के अब क्या करेंगे, जो है मुस्कान की बर्थडे पार्टी कंप्लीट करेंगे, या तो फिर अगर इधर पे अभी जैसे नहीं हुआ पॉसिबल तो हम सामने का जैसे नवाब हम चले जाएंगे या कुछ भी है हम जाके इंजॉय कर लेंगे। और एम्बियंस वगैरह अच्छा था, इतना भी खास नहीं था। और ये भी एक सेक्शन था जो मैं आपको दिखा रही थी कि अगर आपकी फैमिली आ रही है तो आप ये सेक्शन में भी बैठ सकते हो, बट हमें यहाँ पे बैठने नहीं मिला बिकॉज़ क्राउड नहीं था, इसके लिए हमें बाहर ही बैठने का जो पर